ये तो अविश्वसनीय है, ये हो ही नहीं सकता। पोकर, कैसीनो, स्लॉट मशीन, वन एक्स बेट, ये लाजवाब है। वन एक्स बेट पोकर स्लॉट मशीनों कैसीनो के बेशुमार मौकों का फायदा उठाएं, खेलें और असली पैसे जीतें। कौन हो तुम और मुझे यहाँ क्यों लाए? मैं तुम्हें लेकर आया मैडम, मैं खुद अभी उठा हूँ। देखो देखो, मुझे बेहोश किया गया था, किसी पागल ने कल रात मुझे पकड़ा। चलो अब देखो भी।
तुम यहाँ उठी थी? हाँ, और तुम? अगले कमरे में, यहाँ काफी कमरे हैं। क्या बस हम दोनों हैं? सबसे पहले तुम्हारा कमरा ही खोला। तुम्हें आखिरी चीज क्या याद है? एक सुंदर लड़की बार के कोने में, तो इरिशो मतलब नशे में हो। मैं बस कोल्ड ड्रिंक पी रहा था। तुम्हें क्या याद है? मुझे कुछ भी अच्छे से याद नहीं। याद ही नहीं? माफ करना, पर मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। जब सिरिंज मेरे गले पर होता है तब मैं सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ। अब से तुम मेरी खास दोस्त हो। हम दोस्त नहीं हैं। अरे एक मौका तो दो, हम बहुत जल्द अच्छे दोस्त बन सकते हैं। तुम खुद जिम्मेदार होगी जो भी तुम्हारे साथ होगा उसके लिए, ठीक है? पहले तुम। रुको, शांत हो जाओ। हम भी यहीं बंद थे। मुझे तुम पर विश्वास नहीं। तुम्हारे भी ऐसा निशान है? मैंने कहा रुक जाओ। तुम यहाँ से नहीं भाग सकती, ये काम नहीं करेगा। अच्छा क्यों? ये बहुत जल्द गर्म हो जाता है, ये लोहा पिघलना शुरू हो जाएगा और इतने में सब जगह आग लग जाएगी। तुम्हें कैसे पता? मेरे पापा का यही काम है। कैसे काम? कॉन्ट्रैक्टिंग। मैं उधर आ रहा हूँ। इस दरवाजे के पीछे क्या है? शायद बाहर जाने का रास्ता। सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? केट। मेरा नाम रोवन है, अगर किसी को कोई परवाह हो तो। हम यहाँ किसी रीजन से हैं। ये क्या है? एक रीजन। ये तो किसी बोर्ड का नक्शा लगता है, मैटिसन म्यूजियम के अंदर का। क्या ये क्लीवलैंड में है? क्या हमें क्लीवलैंड जाना होगा? रुको, कहीं हम क्लीवलैंड में तो नहीं? हे भगवान, हम क्लीवलैंड में क्या कर रहे हैं? तुम यहाँ से पहले कहाँ थी? न्यूयॉर्क, एरिजोना। तुम? टोरंटो, छुट्टियां मना रहा था। हमें यहाँ लाने में किसी ने बहुत मेहनत की है। चलो जो भी हो, स्कोर वर्थ होना चाहिए। स्कोर? हाँ, तुम क्या बोल रही हो, कुछ समझ नहीं आया। मैं कानून नहीं तोड़ता। कॉन्ट्रैक्टिंग? सच में? बिल्कुल। अगर ये स्कोर होता तो ये क्या होता? मुझे नहीं पता। वाह, हम लोग टीवी पर हैं। ए, क्या हो रहा है ये?
बम है। सिम्टेक्स शायद, हे भगवान, ये पूरी बिल्डिंग गिरा सकता है। पर ये है कहाँ? शायद वो हमें पता लगाना होगा। ए, सुनो, तुम खतरे की तरफ क्यों भागती रहती हो? ये आदमी कौन है? हे, सुनो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वही जो तुम कर रहे हो, यहाँ से जिंदा निकलने की कोशिश। तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की? गैरी, तुम लेट हो गए, मुझे शेड्यूल से चलना होता है। ये तुम गलत तरीके से मना रहे हो, इतने महीने से तुम्हारे पास। मैंने कभी तुम्हें पहले मना किया है? हमने ये प्लान नहीं किया था। तुम यहाँ क्यों आए हो गैरी? क्योंकि वो परेशान हो रहे हैं, क्योंकि ये आज रात है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारी इन्वेस्टमेंट सेफ हो। होगी ना? खुद देख लो। मुझे ये सब करते हुए बहुत समय हो गया है, और मैंने एक चीज सीखी है कि लोग जैसे हैं वैसे हैं। मैं ये देखकर सोच रहा हूं कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ये लोग वो करेंगे जो तुम चाहते हो? क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि अब जो है वो तो बदल नहीं सकते। ये क्या है? अगर ये काम नहीं हुआ तो इसकी कीमत मैं नहीं चुकाऊंगा। हमेशा तुमसे बात करके अच्छा लगता है थियो। मुझे भी गैरी। नहीं, धन्यवाद। किसी को चाहिए? मैं उधर बाहर था, यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था, अचानक से पता नहीं क्या हुआ। तुम्हें ऐसा नहीं लगा कि तुम्हें हमसे मिलना चाहिए? मैं थोड़ा शाही हूँ, मैं पहले जानना चाहता हूँ ये किससे मिलने वाला हूँ। हो गई तसल्ली? पूरी तरह से। इसमें हंसने की क्या बात है? थोड़ी हंसी की बात तो है। मतलब चार चोर बंद हैं, और जबकि हमने कोई कानून नहीं तोड़ा। चोर? मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं एक कॉन्ट्रैक्टर हूँ। हाँ, क्यों नहीं? बच्चों, मेरे बात ध्यान से सुनो, अगर तुम्हें समझना है कि क्या हो रहा है तो चारों ओर देखो। हम सब खिलाड़ी हैं, अपने काम में एक्सपर्ट। पॉइंट पर आओ। तुम पॉइंट जानना चाहते हो? बात यह है कि हम सब कैरियर क्रिमिनल्स हैं, और यह चार लोगों का क्रियू है। मैकेनिक रफ टफ, और तुम मोहतरमा, मासूम और प्यारी, तुम एक B&E स्पेशलिस्ट हो। हम मेरे जमाने में इन्हें डाकू कहते थे। और बची तुम तो एक चालू बदमाश, हमेशा बच जाने वाले। और तुम कौन हो, समझदार आदमी? हाँ, शायद मैं समझदार आदमी हूँ। तो किसी ने सोचा कि हमें क्या चुराना है? हम लोगों ने सब पता लगा लिया। तुम कौन हो?
मैं सबसे पहले अंदर की बात बताऊंगा। बोस्टन म्यूजियम 18 मार्च 1990। अरे हाँ, उन तस्वीरों के फ्रेम्स आज भी दीवारों पर लगे हुए हैं। हो ही नहीं सकता कि वो तुम थे। ग्रेसन बिशप मैं ही हूँ। सच तो ये है कि वो वैन गोश अभी भी मेरे पास है, अब भी कहीं भी बेसमेंट में छुपा होगा प्रूव करने के लिए। तो तुम एक पुराने चोर हो हा? शायद इन सब के पीछे तुम ही हो। अब कुछ नया सीख लो। मुझे शक है कि तुम मुझे कुछ सिखा पाओगे। तुम्हें लगता है मैं खुद को फंसाने की कोशिश करूंगा? ये सब फालतू की बात है, हम ही क्यों? क्योंकि मैं बेस्ट हूँ अपने काम में, और शायद तुम लोग भी, नहीं तो ये मेरे लिए बेइज्जती होगी। हमें सीधा सीधा हायर करना ठीक रहता है ना? शायद, या शायद इन्हें पता है कि हम इनके लिए कभी काम नहीं करते, या फिर या शायद कोई चाहता है हमें परेशान करना। जैसे कौन? तुम्हारे कोई दुश्मन है बच्चे? सच बोलूं तो मेरे तो बहुत दुश्मन है। मुझे बार बार बच्चा मत बुला बुड्ढे। मुझे अच्छा लगा कि मैं अनाथ हूँ। और वो भी गुस्से वाले। तो अब हमें क्या करना चाहिए? जियो या मरो, और कोई रास्ता नहीं है। एकदम सही कहा। हैरिस, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। ये क्या है? हमारा आदमी है, इस पर हम विश्वास कर सकते हैं। हाँ हाँ, हम इसके साथ काम कर चुके हैं। तुमने पैसा भी दिया था। उसको कैमरा बंद करने के लिए कहा था, किया कि नहीं? हाँ सर, तुमने बोला था। हाँ मैंने कहा था। मैं ठीक कर दूंगा। अब कुछ ठीक नहीं हो सकता हैरिस। मैं कोशिश करता हूँ। मैं उससे बात करता हूँ। तुम्हारा वजन 75 किलो है ना? सच बताना। ज्यादा समय नहीं लगेगा। प्लीज परेशान मत होना। Don't fight it. इस तरह आसान हो जाता है। देखो हैरिस, हर टुकड़े का एक मकसद होता है और हर चाल का कोई मतलब, और अगर तुम रूल्स को फॉलो नहीं करते तो सब हार जाते हैं। अब तुम्हें संभलना है और शुद्धिकरण करते वक्त थोड़ा ध्यान से। हमें किसी तरह मेन लिफ्ट तक पहुंचना होगा, फिर एक सिक्योरिटी गेट खोलना होगा जहां इलेक्ट्रॉनिक ताला लगा होगा। उसके बाद मोशन सेंसर वाली सुरंग से गुजरना होगा, फिर ना टूटने वाली शीशे की दीवार। इन सब के बाद ये होगा वोल्ट कैमरा, जो हमें 1970s मॉन्स्टर में ले आती है। अगर तुमने ये सब कर भी लिया जो तुम नहीं कर सकती,
तुम्हारा बाहर निकलने का रास्ता क्या है? मैंने सोचा सामने के दरवाजे से निकल जाऊं, वहाँ उस तरफ कोई अलार्म नहीं बजेगा। इतनी सिक्योरिटी उस तिजोरी में क्या है? सोना, बॉन्ड, उसमें हीरे हैं। क्या हीरे? और सब यहीं से शुरू हुआ था। जॉन डी रॉकफेलर, बॉन आर्टिस्ट का बेटा, अमेरिका का सबसे अमीर आदमी, उसके पास हीरे थे, बहुत सारे हीरे, सरकार से छुपे। मेरे ख्याल से सारे हीरे यही म्यूजियम में रखे हैं अभी तक। तो मेरा मतलब है, वो उन्हें यहाँ से बाहर करते समय समय पर, आखिरी बार वो इटली में रखे गए थे, फ्लोरेंस में एग्जैक्टली। तुम्हें कैसे पता? ये मोसलर के बारे में है। देखो, ये मशहूर कहानी है, कुछ चुनिंदा जगहों पे, उसे आज तक कोई नहीं खोल पाया है, कोशिश बहुत लोगों ने की है। मुझे तो ये सब कहानियाँ झूठी लगती हैं। हो सकती है, पर जिसने हमें पकड़ा है उसे ये सच लगता है। फिर वो हमसे क्या करवाना चाहते हैं? उनके लिए नक्शा तैयार करें? इनके पास पहले से ब्लूप्रिंट है। वो चाहते हैं हम इसे चोरी करें? नहीं, वो बस दिखावा चाहते हैं। मजाक कैसा लगा? इस तरफ आओ दोस्तों। और मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा क्यों करूं? कहीं तुम हमें कब्रिस्तान ले जा रहे हो? ये पूरी जगह ही कब्रिस्तान है। मुझ पर भरोसा मत करो, मैं तुम पर भरोसा नहीं करता। मतलब आखिरकार हम सब चोर हैं। तुम एक सूरज की किरण हो, तुम्हें पता है। और तुम एक भेड़िए की खाल में एक गधे बेटा, यह रहा वो। अरे देखो, बिल्कुल नक्शे की तरह। इन्होंने हूबहू एक और म्यूजियम बना दिया। वो चाहते हैं कि अब हम ये काम करें, वो हमारी सारी हरकतें देखेंगे, पूरा काम। और फिर कोई और हमारे नक्शे कदम पर चलेगा, और हम सबको ये मंजूर है। क्या हमारे पास कोई और रास्ता है? मुझे लगा तुम्हें तिजोरी तोड़नी आती है। ये तिजोरी नहीं है, ये एक कंप्यूटर है। नहीं, यह नहीं है, यह एक पजल है। यह एक हेंडरसन डिजिटल लॉक है, ये जारी करता है। जिस तरह से ये काम करता है, इसमें चार बोल्ट हैं दरवाजे के फ्रेम तक। बंदूक इस्तेमाल कर सकते हैं? उसकी जरूरत नहीं। ओ हाँ, और ऐसा क्यों? क्योंकि एक तरह का लॉक है जो एक आदमी पर निर्भर करता है, जो चार डिजिट का पिन डालता है इसमें। हाँ, पर वो तो फिर लाखों तरह के अलग कॉम्बिनेशन, क्रम परिवर्तन, और ये हुआ 9909। अगर तुम इसमें दो तरह से देखो, पर तुम देखो हमारा फायदा है कि ये एंडरसन की पैड्स सिलिकॉन का इस्तेमाल करते हुए पॉजिटिव प्रिंटिंग के लिए। अरे, उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये है कि ये सतह हमारी उंगलियों से तेल लेती है। चलो ऑटो, मुझे देखने दो। अच्छा, यह आसान होगा, बस 24 परिवर्तन। क्या बात है, ये देखो। तुम्हें कैसे पता था इसका कॉम्बो? मुझे नहीं पता था, मुझे लोगों के बारे में पता है और मेरे कीपैड्स के बारे में। हाँ, लेकिन म्यूजियम के कीपैड में इसके जैसा कोड नहीं मिलेगा, यह नकली है। पर यह तो अच्छी बात हुई, हम सब मर चुके होंगे और हम होंगे ही नहीं ये डकैती करने के लिए, है कि नहीं? मुझे लगता है असली सिक्योरिटी सिस्टम में कोई बंद करने का बटन नहीं होगा। वो उधर है, वहीं छुपाया होगा उन्होंने बम।
नकली तिजोरी मिल गई। ये सब पीछे है समय से। ग्रेसन कैसा रहा? जैसा तुमने कहा था वैसे ही। उसने सबको किसी ना किसी काम में लगा दिया और सिक्योरिटी कोड भी बहुत जल्दी खोल दिया। और अब पिक्चर शुरू होती है। तुम इतने सारे औजार क्यों लाई हो? इनमें से कुछ भी तो नहीं जो हमें इस लेजर से बचा सके। ये क्या करने वाली है? मैं ये कर सकती हूँ। क्या कर सकती हूँ? इनकी दिशा बदलनी है। शीशा दो। ये देखो, अब ये सब मेरे सामने हैं। औरों को हिम्मत नहीं देनी चाहिए। मैं तो बस कोई कमजोर कड़ी ढूंढ रही थी। मुश्किल होता है एक टीम को लीड करना। मैं किसी को लीड नहीं कर रही। देखो, ये सिर्फ स्किल्स के बारे में नहीं है, यह व्यक्तित्व के बारे में है। जैसे मैं, वो शांत और ताकतवर है, चोटिल पर भरोसे के काबिल, और रोवन वो पागल है पर वो अपना काम अच्छे से जानता है, और मैं एक समझदार आदमी हूं। और तुम केट, तुम्हें ऐसा क्या आता है जो हमें यहां से बचा निकले? मैं तुम्हें कहीं नहीं ले जा रही। मैं तुम्हें जानती भी नहीं। मैं तुम्हें जानता हूं। क्या अपना बकवास बंद करो। क्या कहा? तुम बिंघम पैक्सन की पोती हो, करेसिया कबाल। तुम जानते भी नहीं तुम क्या कह रहे हो। बिल्कुल कैरियर क्रिमिनल्स की तरह बोला। एक दूसरे से झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। हम सब साथ में फंसे हैं। एक चीज पूछूं, वो कैसे पकड़े गए? तुम्हारे दादा बहुत तेज थे और मैं उनका प्रशंसक था। एक काम के चलते इटली, मुझे एक तिजोरी खोलनी थी और समय ज्यादा लग गया। पुलिस वहां नहीं पहुंचने वाली थी, पर मैं बाकी साथियों के साथ बाहर निकली और मेरे दादा फंस गए। कैसी तिजोरी? वो कैसी तिजोरी थी केट? ये जरूरी है। एक मौसला। एक मौसलर? यह तुम्हारे दादा की आखिरी चोरी थी। वो जेल में ही मर गए। सही कहा ना? यह सब गलती तुम्हारी ही थी। तुम्हें लगता है तुम्हारे पास हर जवाब है? मेरी बात सुनो, हमें वो करने की जरूरत नहीं जो वो हमसे करवाना चाहते हैं। हम दोनों कुछ और रास्ता सोचते हैं। हमें उनके खेल की जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारा खेल भी नहीं खेलना। मुझे नहीं लगता कि तुम समझ रही हो। ये हम प्यादे हैं किसी बड़ी चीज के। हे, हम तैयार हैं।
रोवन के पास शीशे के लिए आइडिया है। तो दोस्तों खबर ये है, 10 घंटे का प्रचार किया गया टेम्पर्ड ग्लास। लोहा काट सकते हो, पत्थर तोड़ सकते हो, पर इसे ये कोई सुपर ह्यूमन वाली बकवास है। इस तरह की चीजें इंश्योरेंस कंपनीज को पसंद आती हैं। अब शायद वाइब्रेशन से ही ग्लास की मजबूती कम हो। ये टूट जाएगा, यहाँ तो कोई निशान भी नहीं पड़ा। नहीं, मैंने कहा था कि ये थोड़ा कमजोर कर सकता है, मुझे वक्त चाहिए। सब बकवास है। मैं भी आती हूँ। मैंने तो सोचा था तुम किसी तरह के एक्सपर्ट हो। हे भगवान, तुम चुप करो। एरिज़ोना की सब लड़कियां मतलबी है या फिर तुम ही हो? मैं मेक्सिको से हूँ। अच्छा, कहाँ से? कैनकन, एक्पोल्को? तुम्हें तो रिच टूरिस्ट होटल रूम्स तक पहुँचना आता होगा। सिनालोआ। अच्छा, ड्रग माफिया के शहर से, तभी तुम इतनी फ्रेंडली हो। पर मैं पली बड़ी मैजिकल क्रू में थी, तो मेरे सारे दोस्त मर चुके हैं। ठीक है, ये मेरे बारे में नहीं है, ये केट के बारे में है। मैंने उसको और ग्रेसन को बात करते सुना, वो एक चालू चोर है। ऐसा मत बोलो। वो मशहूर बिंगम की पोती है और मुझे उस पर भरोसा नहीं है। किसी पर भी भरोसा करना मुश्किल है आजकल। मुझे लगता है हमें उस पर नजर रखनी चाहिए। खैर, मैं तो सब पर नजर रख रहा हूँ। तुम एक बेवकूफ हो। अगर तुम इनसे डरे हुए नहीं हो, तुम्हें डरना चाहिए। इन सब में वो मिले हो सकते हैं और हम उन्हें साथ रख के शेर पाल रहे हैं। और तुम क्या करवाना चाहती हो मुझसे? मैं उन्हें दिखाना चाहती हूँ कि हम सीरियस हैं। समझ आया तुम्हें? मुझे वो स्प्लाइसर दे दो वहां से। तो तुमने और ग्रेसन ने क्या बात की? एक चोरी बस और क्या। मुझे बेवकूफ बना रही हो? नहीं, तुम्हें बनाना चाहिए। तुम अच्छा झूठ बोलती हो। क्या? जल्दी करो, जल्दी जल्दी। पागल हो क्या? तुम मैं लोगों के साथ मिली हो। कौन? वो चोर। मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रही हो। मैंने तुम्हें ग्रेसन से बात करते सुना, तुम एक चोर हो और वो हमारे पीछे पड़े हैं। वो ऐसा क्यों करेंगे? सब रिसोर्सेज उन्हीं के पास है ना। तुम ये गलती कर रही हो। हमें एक दूसरे का साथ चाहिए अगर हमें बाहर निकलना है। मुझे लगता है कि तुम्हें हमारी जरूरत है और वो तुम्हें जिंदा चाहते हैं। और शायद अगर वो तुम्हारे बारे में परेशान है तो वो एक दरवाजा खोल देंगे, बस अगर उन्हें लगा कि हम सीरियस हैं। ये सब यहाँ क्या चल रहा है? कुछ जरूरी नहीं, बस छोटी सी परेशानी है ग्रुप में। बकवास मत करो। तुम क्या कर रहे हो? आराम से करो बूढ़े आदमी, हमें इसकी जरूरत है। ये एक चोर है। तो क्या? वो पहले चोर थी, वो अब नहीं है।
मुझ पे भरोसा करो, मैं जानता हूँ यह सब इसकी वजह से नहीं हो रहा। तुम्हें कैसे पता? वो कभी नहीं मारी जाएगी बदमाशों के लिए काम करने में, एकदम थियोडोर थर्लो थर्ड के जैसे। कौन है ये छोटोल थोड़ो थर्ड? क्या हमें गोल मैच के शूरवीर द्वारा अपहरण कर लिया गया? वो आदमी सबके लिए जिम्मेदार है, और मुझ पर विश्वास करो, इनडायरेक्टली उसका तुमसे गहरा संबंध है। गधा कहीं का। तुम डबलिन में पैदा हुए थे ना? हाँ हुआ था। थियो के कुछ लोग वहीं थे तब। तुम समझो इस बात हमारे इस आदमी के बारे में कि उसे गवाहों को छोड़ना पसंद नहीं, चाहे वो उसके करीबी हो। मैं समझता हूँ उस वक्त बहुत ही लाशें छूट गई थी डबलिन में, तब उसने निकली। तुमने कहा था कि तुम अनाथ हो, है ना? और तुम भी, तुम एक हिस्सा थी जादुई क्रू का। खैर अब तो कोई क्रू नहीं है तुम्हारा, वो सब मारे गए, बस तुम बची। कितनी अजीब बात है ना ये, एक सड़क का बच्चा गंद में पला पड़ा। मैं जानता हूँ थियो सब अर्चिन्स को काम पे लगाता है मेक्सिको की सड़कों पर, बस उन्हें प्यार से नहीं रखता था। तुम्हें पता ही नहीं कि तुम क्या बात कर रहे हो? मुझे पता है, वास्तव में मुझे लगता है कि डिकेंस इसके बारे में किताब लिखी। पकड़ा जाना, चोरी सीखना, मारना सीखना, खुद को बदल लेना जिसे तुम पसंद करती हो, और फिर धोखा देना और मौत के लिए छोड़ देना। हे, कोई बात नहीं, बहुत तेज गुस्सा था वो। तुम थियो को कैसे जानती हो? उसने तुम्हारे साथ क्या किया है? खैर ऐसा है कि मैंने उसके साथ क्या किया, वो पेंटिंग्स बॉस्टन म्यूजियम, तुमने उसे खत्म कर दिया। नहीं मैंने उसे खत्म नहीं किया, बस मान लो मैं पहला घुसा खाया और मैं जीत गया, और अब वो इसका बदला ले रहा है। ये सब बकवास है, तुम्हें पता है ना, तुम्हें हमारे बारे में कुछ नहीं पता। खैर तो ऐसा मान लो कि मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छी कहानी बनाई। अच्छा होगा कि तुम सुनो और मुझे सुनो अच्छे लोगो। तुम्हें बहुत समझदारी से काम करना होगा जो भी तुम करोगे, अगर तुम्हें यहाँ से जिंदा बाहर निकलना है। दूसरा पहलू शुरू करने का वक्त। क्या कर रही हो? जो हम सबको करना चाहिए, बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश। तुम अपना वक्त जाया कर रही हो, तुम हमारा वक्त जाया कर रही हो। तुम्हें लगता है वो इसे खुला छोड़ेगा और हम बाहर निकल जाएंगे? तुम्हें क्या पता है? मुझे इतना पता है कि कोई बंदूक लगाए बैठा, इसे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं। देखो तुम मुझे पसंद नहीं करती, ठीक है, समझ गई? नहीं नहीं, तुम नहीं समझती, तुम्हें बात समझ नहीं आती। तुम एक चोर हो अपने अनुष्ठानों के साथ, और तुम्हारे नियम, और वो भी जीतने की बात, सब कुछ बकवास है।
तुम सब लोग बिगड़े हुए हो, जाने माने अमीर छुपे हुए खेल खेल रहे हो। तुम्हें पता नहीं तुम क्या बोल रही हो। जितना सब मुझे पता है मैंने खुद से सीखा है। मुझे कोई प्राइवेट लेसन नहीं मिले किसी यूरोपियन महल में। तुम्हें पता है मैं लड़ी, खून बहाया है, और मैं यहाँ से बाहर निकलने के लिए यही करूँगी। ये जैसे तुम समझ रही हो वैसे खत्म नहीं होगा अगर हम मिलकर काम नहीं करेंगे। दोस्तों, क्या तुमने क्या किया? कुछ नहीं। बकवास, तुमने कुछ नहीं किया? क्योंकि मुझे पता है मैंने कुछ नहीं किया। और तुम दोनों रुको, तुम दोनों क्या कर रही हो? चूहे की तरह इस भूलभुलैया में नहीं भाग रहे। हे भगवान, तुम ग्रेसन की तरह बात कर रही हो। तुम में से कोई मुझे बताएगा कि हमारे पास सिर्फ 2 घंटे क्यों बचे हैं? क्या ये ठीक नहीं है? हमारे पास 3 घंटे होने चाहिए। खैर, शायद तुमने किसी को गुस्सा कर दिया। अब क्या हम काम करें वापस प्लीज? क्यों, ये पूरी बात जाहिर तौर से धांधली है। हो सकता है, पर रोहन ने ठीक कहा, हमें तुम्हारी जरूरत है। यहाँ कोई हम नहीं है, ठीक है? केट आज है। वो क्या था? ये धुएं की खुशबू है। ग्रेसन कहाँ है? कुछ सूंघ रहा था जब हमने आखिरी बार देखा था। ये रक्षा था। वो क्या खेल खेल रहा है? धोखेबाजी को माफ करना मेरे दोस्तों। बुरा हुआ। बदतमीज, गधे का बच्चा। तुम इसे ठीक कर सकते हो? मुझे 1 मिनट दोगे क्या? तुम मुझ पर हमेशा हंसते थे ना, नहीं बड़े आदमी? खैर, यह जान के अच्छा लगा कि आज भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। मुझे पता है कि तुम मुझे सुन पा रहे हो बदतमीज आदमी। तो मुट्ठी बंद कर लो गधे, और होठों को पकड़ो और मसलना शुरू करो। वो बाहर का रास्ता ढूंढ रहा है। हम भी तो बेवकूफ। 16,000 डिग्री अलग होने का, और मैं अपनी आखिरी सांस तुम्हारे चेहरे पर लूंगा। उस पूरी जगह को जला दिया, बहुत बुरा हुआ, और वो शायद निकल भी जाएं। पकड़ लो। पक्का? पकड़ लो। अरे यार, जल्दी। चुप रहो तुम, इससे बुरा क्या ही होगा। ये हम सबको मरवाएगा। अब खोलो। पक्का? रुको, मैं करूंगा। बच्चा, एट, सुनो सुनो। तुम्हें इतना टाइम क्यों लगा? तुम सोच क्या रहे थे? ओ, वो मैंने सोचा तुम लोगों को मैं शुरू करने में हेल्प करूं। तुम्हें देखना था तो बोलने के लिए। मुझे डर है कि अब तुम्हें खुद ही ने वादा की हुई जगह पर। बस बस चुप रहो। देखो इसके आगे, समझ नहीं आ रहा। और कोशिश करो। नहीं कर सकती। यही और कोशिश करो। ग्रेसन कभी भी टीम प्लेयर था ही नहीं। मेरा मतलब वो आदमी एक आर्टिस्ट था। उसने दुनिया की सबसे बड़ी चोरी करी। कुछ तो रिस्पेक्ट करो।
चेरी, प्लीज मुझे समझाने की कोशिश मत करना कि वो प्लान का हिस्सा था। मान लो थोड़ी उम्मीद तो थी। मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब हुआ। इसका मतलब गैरी कि उसने अपना काम पूरा किया, और कभी कभी आपको एक मोहरे को बेचना पड़ता है अपने आप को सही दिशा में लाने के लिए। बस याद रखना कि तुम किसके लिए काम कर रहे हो। अब कोई नहीं मरना चाहिए, मुझे बस हीरे चाहिए। ग्रेसन अकेले गया और देखो उसके साथ क्या हुआ। मैं तो नहीं, हम में से अब कोई ये गलती नहीं करेगा। अगर हमें ये जीतना है तो हमें आगे बढ़ना होगा। अब इसके आगे तुम्हारी मर्जी, मेरा तो यही है। या तो हम यही मरेंगे या फिर हम सब साथ में बाहर जाएंगे। एक बार फिर करो। कुछ हम इस्तेमाल कर सकते हैं? यहाँ पे सब कूड़ा कबाड़ा भरा हुआ है। और कुछ तो होगा। और बारीक काटो दोबारा। ठीक है, एक बार दोबारा। ठीक है, मुझे ड्रोन दो। क्यों? इस कैमरे में मेमोरी कार्ड है। दोबारा ऊंचा, फिर करो। हमारे पास इतनी एडजस्टमेंट का टाइम नहीं है। बहुत अच्छा। तुमने वो सब क्यों किया? क्या? बैंकों को लूटना? वो तुम्हारे लिए था या किसी और के लिए? बस मान लो हिरिश सिस्टम के लिए बिना फैमिली के जवान लोगों का रहना मुश्किल होता है। मुझे माफ करना। बहुत जल्द तुम्हें अपने अंदर ही फैमिली मिल जाएगी जो अच्छी होगी, चाहे बाहर की जिंदगी में कितनी ही परेशानियां हो। सही कहा ना? मिल गया A140 स्वैन। स्टील, स्टील, टंगस्टन कार्बन, कोबाल्ट। बकवास, बेकार। कुछ भी नहीं। ये बहुत ही ऊंचा सरफेस कंप्रेशन है। स्ट्रेस रेजिस्टेंस मोह स्केल पर कम से कम 9। वो क्या? इसका मतलब बहुत ही मुश्किल। क्या कुछ भी इसे काट सकता है? हीरे, बस अगर हाल ही में तुम्हारी सगाई नहीं हुई तो तुम वॉलेट के गलत तरफ हो। खैर, और कुछ? करमटम सेरेमिक। तुम कहाँ जा रही हो? वैगन खेलने। इससे हो सकता है? क्या देख रहा हूँ ये मैं? स्पार्क प्लग, सेरेमिक नोक। तुम्हें कैसे पता? मेरे दादाजी। मुझे जाने दो। तुम्हारे पास इसे पकड़ने के लिए कुछ? हाँ बिल्कुल, ये लो। चलो करते हैं फिर। ओके। रुको। देखो, एक चोट। अच्छा है, बहुत अच्छी शुरुआत। कैरामिक नॉक, शुक्रिया। सुनो मोहतरमा,
इधर देखो जरा। चलो काम शुरू। देखते हैं तुम क्या कर सकते हो। तुम्हें लगता है कि वो कर सकती है? मुझे भरोसा है। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि वो मुझसे नफरत करती है हारने के लिए। यह सब लोग ही। हमें कितना वक्त और चाहिए? हमारे पास कितना वक्त है? 33 मिनट। क्या ये मुमकिन है? करना ही पड़ेगा। मुझे माफ करना। माफी तो 3 घंटे पहले थी। हमारे पास वक्त कम है, उसको हमारी जरूरत है। उसे ध्यान लगाने की जरूरत है, उसे अकेला छोड़ दो। हम एक टीम हैं, हम में से एक भी नीचे जाएगा तो सब जाएंगे। देखो मुझे पता है कि तुम सबके साथ अच्छे से नहीं रहना चाहती, तुम्हें अकेले सब करना चाहती हो, मैं समझ गया। पर तुम जिंदगी में अकेले नहीं भाग सकती। अब तक मैंने खुद ही किया है सब, तो बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। क्योंकि लगता है ऐसा है कि तुम्हें हर वक्त किसी की जरूरत पड़ेगी। जब तुम सड़क पर एक गंदी जगह में होते हो, तुम्हें पता है कौन आता है? कौन? जो लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं, तुम्हारा फायदा उठाना चाहते हैं, जो एहसान दिखाना चाहते हैं। जो भी तुम्हारे साथ हुआ, मैं माफी मांगता हूँ, पर हमें तुम्हारी जरूरत है और मुझे पता है कि तुम्हें भी हमारी। ठीक है, उस लिक्विड नाइट्रोजन का क्या? क्या हम ताले को जमा पाए? शायद। दूर की बात है, पर कोशिश के काबिल है। देखो, हमें कुछ पता नहीं है। लिक्विड नाइट्रोजन नहीं, ये काम नहीं। एक दबाव है, फायरिंग पिंग, तो दोबारा लॉक को छेड़ देगा और हम नहीं कर पाएंगे। हमारे पास कितना वक्त और है? 21 मिनट। तुम कर सकती हो। क्या है? क्या हुआ? मुझे नहीं पता। ये नहीं होगा, ये नहीं है। कुछ करो। ये खुल जाना चाहिए था। मैंने शर्मिंदा किया। ये
शानदार है ना? पक्का वो हमें नहीं देख सकते? ड्रोन के मेमोरी कैम में वीडियो लूप कर दिया गया है, वो पागल केट को देख रहा है बार बार परेशान होते हुए। अपना काम करो अब। जल्दी से तैयार हो। हम आगे बढ़ रहे हैं। पुलिस 10 मील तक हर सिपाही गोदाम की ओर जाता है। यही हमारा मौका है। हमारी टीम कहाँ है? रास्ते में। तुम्हारे पास एक काम है। मैं इसको देख लूंगा। चलो एक और गैराज की कोशिश करते हैं। करें, हम वो चमकती एटीएम नहीं है। हमारे पास वक्त नहीं है। खैर चलो हम चलते हैं फिर। मैं इसको बस और दिलचस्प बना रहा था। चलो चलें, हमें थोड़ी खरीदारी भी करनी है। कुछ नहीं खरीदा? कुछ नहीं खरीदा? अच्छा चलते हैं। हे, हमें नहीं पता वो कितने हैं। अगर तुम्हें थियो के लोग मिले तो? कब? मुझे जब थियो के लोग मिलेंगे
मैं उन सबका ध्यान रख लूंगी। तुम बस वोल्ट के बारे में सोचो, याद है जो दिखाया था मैंने? तुम सच में ये करना चाहती हो? उसने हमें एक गड्ढे में फेंका और मरने के लिए छोड़ दिया। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, क्या तुम? और ये एक जाल भी हो सकता है। उसे लग रहा है हम मर गए, वो हमें आता हुआ देख ही नहीं पाएगा जब तक हीरे गायब नहीं हो जाते। गया कौन? थियो, रुको जरा, हमें दिक्कत हो सकती है। केट, तुम अच्छी दिख रही हो, इसको पियो, ये मोटलेस 1935 तुम्हारे डैड का मन पसंद। मैं यहाँ शराब पीने नहीं आई, मैं यहाँ हीरों के लिए आई हूँ। सब इसके लिए ही आए हैं जान। मुझे एक बात तो बताओ, तुम्हें क्या दिख रहा है? अमीरी और घमंड। पता है मुझे क्या दिख रहा है? मुझे वो झूठ दिख रहा है जो ये रोज सुबह बोलते हैं। ये लोग, ये बस यहाँ रोब दिखाने आए हैं, अपनी जगह बनाने कि सब इन्हें देखें। मैं नहीं। क्या? कि सब मुझे देखें। इस तरह की ड्रेस में भी? इन्हें लगता होगा कि ये अच्छी है, पर मेरे पास इन सब के लिए वक्त नहीं। फिर किसके लिए है? फिर किस चीज के लिए तुम्हारे पास वक्त है? वो मुझे बहुत ही खास चीजें पसंद हैं, पर उन चीजों को पाना, वो उनके हाथ में है। मैं तो बस आम चीजों को पाना चाहता हूँ केट। मुझे खेल बहुत पसंद है, पर मुझे इनाम की कोई भूख नहीं। तुम्हें भी ऐसा करके देखना चाहिए। राजा प्यादे वाला एंड गेम, ये इतना आसान नहीं। मुझे एक बात बताओ केट, क्या तुम एक रानी बनोगी? हमें पता चल ही जाएगा बस। तो खेल शुरू करते हैं। माफ करना। नहीं, गलती मेरी थी। शाम का मजा लीजिए। लिफ्ट बस पहुंच रही है, अंदर तुम्हारे लिए एक तोहफा है। मैक, तुम हो क्या? मुझे थियो की टोली नहीं दिख रही है। देखती रहो।
रावण, मैं निकल रही हूँ, तुम तैयार हो? मैं तुम हो क्या? हे, कौन हो तुम? रोहवान, तुम आखिर कर क्या रहे हो? मैक, तुम मुझे सुन सकती हो? अंदर आओ। ये मुझे दो केट। ओह, वो मेरे पास तो नहीं है। तुम कभी भी खाली हाथ नहीं लौटे, मेरे दादा ने इतना तो बताया था। मूली नहीं पकड़ी है। तुमने मुझे मारा तो हीरे नहीं मिलेंगे, इसका वादा करती हूँ। तो तुम्हें अपनी जिंदगी से कोई प्यार नहीं? रोहवान की जिंदगी का क्या? मैं रोहन से आज ही मिली, मुझे क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि मैं तुम्हें जानता हूँ केट, इसलिए मैंने तुम्हें चुना, इसलिए तुम सबको चुना, इसलिए तुम्हें भागने भी दिया। तुम्हें पता था हम भाग गए हैं? बिल्कुल, पर तुमने हमें मारने की कोशिश की, उस वजह से ही तुम भागे। पर दूसरी टीम? कोई दूसरी टीम नहीं है केट, बस तुम। हर दाव जो तुमने खेला, हर चाल जो चली, वो इसलिए क्योंकि मैंने सब प्लान किया और सब मैं ऐसा जानता था। तुम सब प्यादे थे। ये एक और जैसी बकवास है, क्योंकि बता दूं मैं मोनोपोली की फैन हूं। थिम्बल एक नंबर। मुझे हीरे चाहिए के। मुझे मारा तो हीरे नहीं मिलेंगे। मेरे पास रोहन है और हम उससे सब उगलवा लेंगे। पर रोहन नहीं जानता हीरे कहाँ है, बस मुझे पता है। और अगर मैं मरी तो तुम्हारे हीरे गए। ये एक गलती होगी तुम्हारे लिए। देखो, ये तो हो ही नहीं सकता। इस काम में तुमने इतने पैसे लगा दिए हैं। मैं शर्त लगाती हूँ इसका कोई खरीदार होगा, कोई ऐसा जिसने इस ऑपरेशन में तुम्हारी मदद की है। और मैं शर्त लगाती हूँ कि ये आदमी ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं होगा कि वो तुम्हें जाने दे। और अगर काम भी ना हुआ हो तो? मैंने सही कहा ना? वो हीरे केट, अगर मैं ना बताऊं कि वो कहाँ है तो चाहे जो हो जाए, वो लोग तुम्हें मार डालेंगे। क्या चेस में पासा फेंकते हैं? ओ, बहुत बढ़िया,
का है? विंस को फोन करो, गेट को थोड़ा आवाज कराते हैं आगे क्या होने वाला है। कोई दिक्कत है काई? हे भगवान, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? मैं मिलने वाली जगह पहुंच रही हूं। मैग, क्या हुआ? हाँ, हमें जाना होगा, चलो चलें। मैग, तुम ये क्या कर रही हो? माफ करना केट, ऐसा मत करो, अभी देर नहीं हुई है। मेरे लिए हो चुकी। वो तुम्हें कितने पैसे देगा? मैंने इसे पैसे नहीं दिया, मैंने इसे पाला है। केट, सब खत्म करते हैं, ठीक है? अपने लिए चीजें आसान करते हैं। मुझे बस सब बता दो, हीरे कहाँ हैं? सिर्फ हीरों की वजह से ही मैं जिंदा हूँ। हीरे तुम्हारी मौत का कारण बनेंगे, और क्या ये सही होगा? नहीं, पर तुम हार जाओ इसके लिए मैं मरना पसंद करूंगी। मारो इसे। हमें इसे लेकर ही चलना चाहिए, ये बात करेगी आखिरकार। पता है, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। हमें फिर सोचना होगा और ये सब माफ करना होगा। मुझे कुछ भी बकवास नहीं चाहिए, मारो इसे। नहीं, हमें यहाँ से अभी निकलना होगा, अभी ये टाइम और जगह ठीक नहीं है। क्या कहा तुमने? मैं बस कह रही हूँ कि मुझे लगता है यहाँ। मुझे माफ करना। किस लिए? इसकी मत सुनो। इसने जो तुम्हारे साथ किया, इसने जो तुम्हें बना डाला। मैग्डलेना, करो अभी, करो करो। मैं तुम्हें एक बेटी की तरह प्यार करता हूँ, जानती हो ना?
एक बेटी की तरह। मुझे माफ कर दो, ठीक है? आखिरी बार बोलो, तुमने उसके साथ क्या किया? मैंने उसके साथ क्या किया? मैंने उसे बचाया है, समझी? तो परिवार मर गया था, वो सड़क पर पड़ी थी और मैंने उसे सब कुछ दिया, तुम्हें क्या मतलब है? तुमने उसको एक हथियार बनाया। मैंने उसे लाश बनने से बचाया है और तुमने उससे गोली चलवाई। मैं इसका अंत इस तरह नहीं चाहता था केट। ठीक हूं। मैं तुम लोगों को फिर से बचाने आया हूं। वहां बैठ जाओ। तुमने इन्हें इन झाड़ियों में छोड़ा था? मुझे लगा तुम इसे ज्यादा समझदार हो। हाँ, मुझे लगा था कि थियो भी यही सोचेगा। तुम ठीक हो? मैं अब कभी चांस नहीं लूंगी। तुम्हारे ज्यादा ट्विस्ट के बाद ट्विस्ट हो रहे हैं, जैसे कि एक बोतल पर टक्कर लगाना। हंसने में दर्द होता है। ये रहे, मुझे देखने दो। तुमने मेरे लिए चांस लिया, तुम्हें लेने की जरूरत नहीं थी। वो चांस नहीं था, वो इच्छा थी। तुमने भी लिया था। परेशान मत हो, सब ठीक होगा। वो बहुत सुंदर था, खूबसूरत था, पर मैक को गोली लगी है, मेरे खून निकल रहा है चर्च के बाहर और तुम एक हीरो का बैग पकड़े हो, तो मुझे लगता है कि हमें भागना चाहिए। हाँ, कुछ चीजें हैं जिनका मैं ध्यान रखना चाहती हूँ। मुझे देखकर चौंक गए? तुम गधे के बच्चे हो गंजे बुढ़े। खेल खत्म। ग्रेसन के नाम वो बेवकूफ बदमाश। बहुत मुश्किल नहीं था ना पेंटिंग को? अरे मैं बस घुस ही गई। शुक्रिया। तुम मेरे लिए कुछ लाई हो? बस इतना ही? इतना ही? मेरे कदम बचाने के लिए धन्यवाद।
वो आदमी मुझे कभी पसंद नहीं था। मैं संपर्क में रहूंगा। तो अब अगला क्या? हम सभी एक दूसरे को धोखा देते हैं। कहर तो ग्रेसन की बेटी निकली। हम मास्क निकालेंगे और वो स्कूबी टू होगा शायद। पर पहले तुम कभी इटली गए हो? कैसा है? मुझे लगता है बस थोड़ा सा सब एंगल्स की बात है। अच्छा है ना? थोड़ा सा बस राइट की तरफ और एक टच बस। मुझे लगता है ये इस जगह पर अच्छा है। ये ऐसा है कि जैसे मुंह पर पेंटिंग। अब हम आगे कहाँ जा रहे हैं? इटली। हमने पिछली मुलाकात में बात की थी, याद है ना?